आज हम बात करने वाले हैं सी डी एस एल की आठ फरवरी को हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सी डी एस एल को एज ए वॉचलिस्ट में रखने को बोला था क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा था वीकली चार्ट पे हमने यहाँ पे बोला था CDSL लुकिंग अट्रैक्टिव ऑन वीकली चार्ट

देखनी है आप देख सकते हैं एक्जैक्टली exactly ये बॉटम ऑफ द चैनल पे ही रिवर्स हुआ है इसका एक रीजन क्या होता है जो ये वेव एनालिसिस में करेक्टिव पैटर्न्स होते हैं जो करेक्शन होती है हमेशा एक पैरल चैनल के मतलब उसमें रहती है जैसे यहाँ पे ये एक ए वेव है ये बी वेव है और ये सी वेव है तो आप देख सकते हैं करेक्ट टू चैनल जो पैरल चैनल है उसी में ये करेक्शन रहती है यहाँ पे जब हमें अगर हम इसको डेली चार्ट पे ले आते हैं यहाँ पे हमें यहाँ जो ब्रेकआउट आया था वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया था तो ये ब्रेकआउट पे हमने इसको बोला था कि यहाँ पे आप अब स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्योंकि ये जो चैनल है मतलब करेक्शन यहाँ पे हमें पूरी हुई होती हुई दिख रही थी और यहाँ पे हमने मिनिमम हंड्रेड परसेंट बोला था और आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है मोर देन हंड्रेड परसेंट यहाँ पे मिल चुका है अगर आप इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की पहले बात करते हैं तो हम ये जो बुक वैल्यू ऑफ वन वन सेवन है ये उससे काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर हुआ है बट क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अगर जो भी स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड है जैसे बी है एंजेल ब्रोकिंग है तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं और ये बढ़ भी रहे हैं तो अभी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं बट तो आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है और अभी काफी कम भी है which means ये जितना ऊपर जाता है तो उतना ये रिस्की बन जाता है ज्यादा तो इसकी हम बात करते हैं जैसे इसमें और भी थोड़े ऑप्शन है जैसे आई है तो मे बी जो अभी इनमें बड़े नहीं है उनमें अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए बट वो हम आगे वीडियो बनाएंगे आई पे अभी जो हम इसमें मेजर एक बात करना चाहते हैं जैसे आप यहाँ पे देख देख सकते हैं जो इसके सेल्स है एटी नाइन एटी सिक्स जो सितंबर 2020 में कर रहा था उससे डबल हो चुके हैं सेल्स सितंबर के क्वार्टर में तभी आपको इतना ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है आ, तो यहाँ पे सेल्स बढ़े हैं जो प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्टी नाइन करोड़ का प्रॉफिट था उसको डबल करके वन 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 जीरो नाइन का है तो ऑब्वियसली ग्रोइंग कंपनी है थोड़ा ज्यादा प्राइस हाइक हो चुका है बट फिर भी अभी भी ग्रोइंग है अब यहाँ पे uh, हम बात कर करें तो अगर अब यहां पे इस चार्ट को देखें ये स्ट्रॉन्ग ये जो प्राइस है एक मंथली ब्रेकआउट दे चुका है तो अब जब भी ये स्टॉक मंथली ब्रेकआउट देता है या तो आप अभी जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको तो कोई एग्जिट नहीं करना चाहिए और अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम दो चार लेवल्स आपको बताएंगे जैसे हमें दिख रहा है कि ये प्राइस एक ऑल टाइम हाई क्लियर कर चुकी है तो इसका नेक्स्ट जो डिमांड जोन है वो हम आपको बता देते हैं तो वो डिमांड जोन है हमारा ये लेवल तो कभी भी अगर आपको ये 1453 टू 1259 इस रेंज में मिलता है तो आप यहाँ पे एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये लेवल नहीं आ रहा तो हम इसको वीकली चार्ट में ले आते हैं वीकली चार्ट में भी आपको देखेंगे तो यहाँ पे कोई फ्रेश डिमांड जोन नहीं दिख रहा है हमें तो हम डेली चार्ट में आ जाते हैं डेली चार्ट में आप देखेंगे तो हमारे पास और भी ऊपर के लेवल्स हैं जैसे हमारे पास ये एक जोन है जो स्विंग ट्रेड जिसे बोलते हैं अगर आपको सी में लेना है तो हमारे पास है सिक्सटीन थर्टी नाइन टू फिफ्टीन एटी एट का एक लेवल है अगर प्राइस इस रेंज में आती है तो एक जो गलती लोग करते हैं वो है कि डायरेक्टली यहाँ बाई कर लेते हैं बट आपको ये भी सोचना चाहिए कि प्राइस ऐसा भी कर सकती है तो आपके पास यहाँ पे कोई एक जो सेटअप होता है वो होना चाहिए जिसको लेके आप अगर ऐसा होता है तो उसको कैप्चर कर सके अगर आप भी चाहते हैं ये सेटअप सीखना तो अब हमने ऑलरेडी अपना स्विंग ट्रेंडिंग सीरीज बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि आप जब भी प्राइस डिमांड जोन में आती है तो उसे कैसे कैप्चर करना चाहिए तो ये आप उसको देख सकते हैं बट तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि हमें ये कैच नहीं करना मोमेंटम हमें इसको ऑफ होने देना है मे बी डिमांड जोन पे अगर ये वर्क नहीं करता तो ये डिमांड जोन पे बट uh, हमें हमेशा स्विंग ट्रेड है या पोजिशनल ट्रेड है हमें डिमांड जोन में ही लेना चाहिए ताकि हमें बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलता रहे अगर आप बात करें मतलब जैसे ये पहले भी uh, जैसे ये इस डिमांड में आया था प्राइस और यहीं से ये खतरनाक रैली जो हुई है वो आई है तो प्राइस जब भी एक मतलब मूव करने वाला होता है एक डिमांड जोन में ही ट्रेड करता है और वहां से ये नेक्स्ट हाई लगाता है अगर आप मोमेंटम की बात करें एक बार वीकली चार्ट में मैं आ जाता हूं कि इसमें क्या दिख रहा है तो अभी भी मूव काफी स्ट्रांग है जैसे जो ये मूव यहाँ से बॉटम से लगी है वो काफी स्ट्रांग मूव है तो अब हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे एक करेक्टिव पैटर्न का वो करेक्टिव पैटर्न pattern... यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए और इस टाइप का अगर हमें स्ट्रक्चर मिलता है कुछ जिसमें ये फ्लैग टाइप का एक फ्लैग एंड पोल टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलेगा डिमांड तो जोन में आएगा तो तब हम इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको इसमें होल्ड करना चाहिए और ट्रेल करना चाहिए जो जैसे अगर हम बात करें डेली चार्ट में तो ये एक uh, मतलब इसने अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर वाला पैटर्न है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखा है जैसे यहाँ बॉटम से आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर कभी भी ब्रेक नहीं किया इसने स्टॉक ने और यही आपको जब भी, जब भी तक ये मेंटेन कर रहा है अभी जैसे ट्वेल्व थर्टी फाइव है उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा डिप देने के बाद और हाई मिलेगा तो आपका ये अपडेट हो जाएगा तो ऐसे ही आपको ट्रेल करना है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बट अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो स्विंग टेड के हमने लेवल्स आपको बता दिए और पोजिशनल के भी आपको बता दिए आई ये पॉइंट क्लियर है वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए कोई डाउट है उससे कमेंट डाल सकते हैं थैंक यू एंड हैव नाइस डे